हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, पर जो दो सबसे इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी उनको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जिसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फ्लिपकार्ट की तरफ से रहेगी। अब ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये दिन में पोस्ट करी गई थी, उसके बाद तुरंत ही एक्सपायर हो गई, बट इसको रीओपन किया गया है और अभी जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ हो सकता है किसी भी टाइम पर ये एक्सपायर हो जाए, बिकॉज ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी दिन में और अभी दोबारा से रीओपन हुई है। सो इसकी मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता कि ये कब तक ओपन रहेगी। लेकिन दूसरी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट हायरिंग है वो है अमेज़ॉन की तरफ से, बिकॉज अमेज़ॉन की तरफ से यहाँ पर क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट इस जॉब रोल के लिए यहाँ पर टेस्ट शेयर करे गए हैं एंड इवन इसके फिर इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल किए जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो अमेज़ॉन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो में इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ है तो मिस ना करें अप्लाई करना। स्टार्ट करते हैं विद ऑल द डिटेल्स। सो ये जो पोजीशन आप देख रहे हो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, इस पोजीशन के लिए बेसिकली आज हमें रिवर्ट देखने को मिले हैं, एक असेसमेंट टेस्ट देखने को मिला है फ्रॉम अमेज़न। सो टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बारे में बात करें तो 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बेसिक नॉलेज सारी चीज़ों की मांगी है एंड इस जॉब रोल के लिए आपके CS फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, बिकॉज पे पैकेज जो है वो 11 लाख से भी ऊपर का है। सो जो पे पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, कंपनी डेप्थ में चीज़ें पूछती है। डो नॉट मिस टू अप्लाई एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू वन थिंग दैट हमारे ग्रुप से 2 to 3 बच्चों का सिलेक्शन पहले इस अपॉर्चुनिटी के लिए हुआ था, आज वो लोग अमेज़न में इसी पोजिशन पर काम भी कर रहे हैं। सो हो सकता है नेक्स्ट वन आप हो, सो इसको मिस मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग। देन हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। सो इफ यू कैन सी तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कैन यू प्लीज रीओपन द फॉर्म, इट्स रिक्वेस्ट नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग द फॉर्म। बट अगर आप इस टाइम पर देखोगे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 बजे हैं अभी, अगर मैं इसको ओपन करूंगा द फॉर्म इज ओपन एंड इसको दोबारा से रीओपन कर दिया गया है, किसी भी टाइम पे एक्सपायर हो सकता है और इससे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं रिवर्ट आने के। दिस इज फॉर 2024 बैच ऑफ कैंपस ड्राइव, ओपन फॉर SD1 UI डेटा इंजीनियर 1। अब इसके तरफ से रिवर्ट्स डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगे। सो अभी अप्लाई कर देना, फिर बाद में जब टेस्ट आएंगे फिर आपको ऐसा लगेगा कि कब इसकी एप्लीकेशन आई थी, कब अप्लाई किया था, तो वो सब आपको लगेगा। सो इसलिए अभी अप्लाई कर देना। 2024 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स CSE, IT, ECE, EE, ये सारी स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। CTC यहाँ पर 32.57 LPA का है, 18 लाख का बेस होगा, लगभग 1.2 लाख इन हैंड सैलरी आती है। फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है एंड पे पैकेज आप देख सकते हो 32 LPA का है, सो वन ऑफ द बेस्ट हायरिंग पैकेज। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, इसका असेसमेंट मैंने भी दिया हुआ है जब मैं अपने टाइम पे था एंड आई क्रैक द असेसमेंट, तो मैं इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट हो गया था, बट या द लेवल ऑफ द असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर you need to fill this form and इस form को पूरा आपको submit करना है, you need to upload your resume, you can submit this for the full time opportunity, very important hiring, okay? Then आगे बढ़ते हैं, आगे हमें hiring देखने को मिल रही है from textbook, so textbook से भी rewards generally आते हैं, quality analyst के लिए hire कर रही है इस बार and अगर आप इसमें apply करोगे तो revert आने के एक chances रहते हैं, so do not miss to apply in this as well. Then we have a hiring opportunity from Gen Trades, hiring for data engineer specialist. Talking about this, यहाँ पर bachelor's degree in CS, IT और data science की requirement रखी है, strong command on JavaScript to support web scraping and और भी इसमें technical requirements वगैरह लिखी गई हैं, which you can read in the detail and apply. Then next opportunity again is from Amazon, hiring for associate quality services. So you can try to apply, graduate preferably in quantitative field of study with relevant experience of 0 to 1 years की requirement मांगी। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन वी हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अमेज़न एज क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर डेटाबेस, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। यहाँ पर भी बेसिक रिक्वायरमेंट सारी की सारी मेंशन है एंड बेसिक क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस एंड रिक्वायर्स मिनिमम 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। देन नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम एक्सेंचर, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर यानी कि SDE के लिए हायर कर रही है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, अभी एक्सेंचर की जो PADA और ASE वाली हायरिंग है वो बिल्कुल लास्ट पे आ गई है, मतलब अभी अगस्त तक और हायरिंग चलेगी। अगर आप एक्सेंचर के प्रोसेस में हो, अगर आपने टेस्ट दिया है एक्सेंचर का, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हो जिसको एक्सेंचर ने रिजेक्ट कर दिया था, समझ रहे हो, या फिर आपको अभी तक कोई भी असेसमेंट नहीं आया है, आपकी कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो अप्लाई करने का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की पोजीशन है, इसका जो पे पैकेज है ये भी 6 लाख के आसपास होता है, PADA से ज़्यादा होता है एंड 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी है, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एरिस्टा नेटवर्क्स, दे आर हायरिंग फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनी एंड यू कैन ट्राई टू अप्लाई, एरिस्टा कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।